फ्रेंड अगर डांडिया बनाने की सोच रहे ना प्रोग्राम है और काटने का कुछ नहीं है तो मेरी तरह करें। देखिए ये एक्ट है ना यहाँ से इसको मैं बिल्कुल लेवल में कर दूंगी और तेज आंच से मेरी सब्जी भी बहुत जल्दी पक रही है। एक पंत दो काज देखो ये बिल्कुल ही नहीं, यहाँ से बिल्कुल लेवल में लानी है मुझे ये तो उसके लिए जिधर से हो जाए उधर से दूसरी साइड से लगा दो। आज हमारे यहाँ है डांडिया नाइट, तो डांडिया नाइट की तैयारियां चल रही हैं और ऊपर एक पंत दो का सब्जी भी बन गई। अब मेरी डांडिया तैयार हो रही है ये करिश्मा सब आंच भी बहुत तेज हो गई इतनी तेज तो गैस भी नहीं जल रही। भाई चूल्हे की रोटी खाने का विचार आए तो ऐसा कर लो ये कर लो, चूल्हे की रोटी खाने का विचार आए तो ये देखो ये मेरी डांडिया तैयार हो रही है कहा है हाँ ले ले बेलन वेलन सब तोड़ मार रहा हूँ डांडिया के चक्कर में, भैया एक्स्ट्रा नहीं जलानी है तो। तो फ्रेंड आपने गरबे की वीडियो देखी हमारी कैसी लगी, मेले की गरबे की और बच्चों के डांस वगैरह की परफॉर्मेंस की कैसी लगी। भाई हकीकत मायने में तो गरबे वाले दिन तो बहुत ज्यादा मजा आया हर कोई भूल गया कि छोटा है बड़ा है बच्चा है क्या, बस सब एक ही रंग में रख गए गरबा नाइट फुल मस्ती की। हमें तो हम यहाँ उत्तराखंड में रह रहे हैं हमें नहीं लगता कि यार क्या है, पहाड़ी गालों पे नाचते हैं हम तो, हमारे समझ में आते हैं और मजा लेते हैं पूरा फुल एंजॉयमेंट। उम्मीद है आप सबने भी मेरी वीडियो देख के पूरा एंजॉयमेंट किया होगा और इसी तरह से आप भी अपने जीवन में खुशियां बांटते रहे बखेरते रहे खुशियां। और खुशियों का क्या यार, जहां से मिले बस झपट्टा मार लो खुशियों पे, छोड़ो मत क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलती है खुशियां। दुख तो कोई भी दे देगा, तकलीफें कहीं से भी मिल जाएंगी, दर्द कहीं से भी मिल जाएगा, खुशी का तो सिर्फ एक ही पल बहुत होता है जो हमें हमारी वाहिनी के अंदर बखूबी मिल गया और मिलता है हमारे जो जितने भी वहां पे हमारी वाहिनी में अरेंजमेंट होते हैं फंक्शन के, हमें खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। मेरा बटालियन में पार्लर था सही, बहुत सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सही रहा है और अब मैंने अपना पार्लर यहाँ कर दिया है। लेकिन जिंदगी भाई जो वाहिनी के अंदर जिंदगी जिया है ना, जो रहता है अंदर क्वार्टर में, उसी को पता वहाँ क्या मस्ती है, क्या सेफ्टी है, क्या मजा है। कई तो परिवार आपस में लड़ भिड़ के रहते हैं लेकिन हमने तो बस यूजप ही पाई है और थोड़ी बहुत एक दूसरे से होती हुए तो इग्नोर, और लेकिन हम सबकी एक दूसरे के साथ ही डपली बसती है, एक दूसरे के साथ ही रहना, भले ही कोई इधर उधर बिछड़ जाए, उसका क्वार्टर उधर चला गया उसका उधर चला गया, लेकिन उस वो बात तो हमें मायने ही नहीं रखती। जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना वो क्षण वो पल बिल्कुल ही अलग होते हैं। एक दिन जब हम बुढ़े हो जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद सब अपने अपने देश चले जाएंगे, ये बातें ही तो होंगी, ये पल ही तो होगा जो हमें एक दूसरे के साथ रखेगा और एक दूसरे के साथ काटे वक्त को याद दिलवाएगा। ये वाला जो जिया हुआ पल है ना, ये भी कभी वापस लौट के नहीं आएगा। इसलिए मेरे बहनी के जो जितने भी सब देख रहे हैं ना, सबके लिए आई लव यू, क्योंकि सब बहुत 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 अच्छे, इतना प्यार हम लोगों को अपने अपनी अपने रियल फैमिली से नहीं मिल पाता जितना प्यार हमें आपस में यहाँ पे मिलता है। एक दूसरे से प्यार मिलता है, एक दूसरे के पास इज्जत मिलती है, मोहब्बत मिलती है, एक दूसरे की तकलीफें देख के हम लोगों की आंखों में पानी आ जाता है। और सच मानो जिसकी आंख में आपकी तकलीफ देख के पानी आ रहा है ना, सच में वो आपका अपना है। और ऐसा है हमारा वाहिनी परिसर, सब कहते हैं ना वाहिनी परिसर में ये नहीं वे नहीं ये नहीं वो नहीं, लेकिन हमारे वाहिनी परिसर में मोहब्बत है। हम कोई कुमाऊं का है, कोई गढ़वाल का है और कोई बिहार से है, गोरखपुर से है
और लखनऊ से हैं। अरे और मैं मुरादाबाद से हूँ, बहुत बरेली से हैं, और कहाँ बताऊँ, बहुत 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 दूर के हम हैं, वहाँ पे इकट्ठे हैं, लेकिन हम सब एक ही धागे में पुरे हुए हैं और सब हम एक से हो जाते हैं। इतना मजा आता है ना सच्ची में। और गरबे की नाइट आप सबने देखो ना मेरी वीडियो में, जो गरबे की वीडियो है वो मेरी वीडियो में जाके देखो आप, आपको लगेगा कि लग ही नहीं रहा है हम अलग है, सब एक ही माला के मोती हैं हम सारे। और उसमें हमारे कमांडेंट मैम और सारे कुछ हमारे जितने अधिकारी हैं सब एक माला में पूरे हुए लग रहे हैं ना उसमें, तो वैसे ही है सब हमारी वाहिनी परिषद, कोई भी एक दूसरे से नहीं। और स्पेशली महिला दल, लड़कियां इतनी अच्छी हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है उनके अंदर, नफरत तो है ही नहीं एक दूसरे से, प्यार हमें लगता ही नहीं कि हम जैसे कि होता है कि भाई ये महिला दल में है और ये हाउस वाइफ है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो, बिल्कुल भी हम भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है एक दूसरे के साथ। जब भी पाके मिलते हैं देख के दिल खुश हो जाते हैं, हाँ भाई हाँ इतना कोई है। थैंक यू सबके लिए, धन्यवाद सब, बहुत सब इतना हकीकत में यार सीखो। अलग गांव देहात में जो रहते हैं ना वो मेरी इस सब से सीख मिलेगी उनको, देखो कि लड़ने झगड़ने में क्या रखा, कुछ नहीं रखा ना, प्यार मोहब्बत में जो है वो लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी नहीं है। और हम भाई इसी तरह से रहते हैं क्योंकि अपने गांव अपने मोहल्ले अपना क्षेत्र छोड़ के आके रह रहे हैं हम सब, एक दूसरे के कंधे के सहारे रह रहे हैं। हमें पता है ना हमें कुछ हुआ तो हमारा पिलर है, हमारे पिलर हैं हमारे पास वाले घर, हमारे पड़ोसी, समझे, और बहुत अच्छे हैं सब। और ज्यादा क्या कहूँ, आंखों में आंसू आ जा रहे हैं यार कहते हुए, इमोशनल होती जा रही हूँ मैं। आप सब बहुत अच्छे हो, सारा मेरे सारा पीएससी परिसर बहुत अच्छा है। एक बार फिर से लव यू।